हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड का एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस, जैसे आप लोग देख रहे हो, कुछ एपिसोड से हम लोग जो है शेक द अर्थ वीआईपी वाला इवेंट में बैटल ले रहे थे एंड वहाँ पे हम लोग टॉप 5 में पहुँचे थे। अगले एपिसोड में टॉप 5 पे अराउंड 90 रैंक में पहुँचे थे। अभी नहीं लगता कि हम लोग फिर से वही रैंक पे होंगे, शायद हम लोग का रैंक थोड़ा डाउन हो चुका होगा। तो आज भी जाके उसमें ही बैटल लेंगे एंड जो डाइनोस वगैरह मैंने हैच करने और मतलब इवॉल्व करने रखा था वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, अभी स्टिल वो ऑन गोइंग है। स्पेशली जो इवॉल्व करने वाला डाइनो, उसको काफ़ी टाइम लगता है। जो हैच करने वाला था वो तो मैंने ले लेता, उसको मैं अभी फ़िलहाल इवॉल्व नहीं कर सकता। तो आज जो डाइनो हम लोग के पास है उसको ही जाके फाइट ले लेते हैं। एंड इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग का जो है, हम लोग थोड़ा भी घटे नहीं एंड हम लोग अभी भी स्टिल टॉप 5 पे ही है। तो आज भी बैटल लेके देखते हैं, जीतते कि नहीं वो तो पता नहीं, पर आज का बैटल लेके देखते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। जितना हो सके हम कोशिश करेंगे जीतने के लिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी अच्छा डाइनोस लेके आता है। तो हम भी पीछे नहीं हट सकते। सो लेट्स गिव अ ट्राई, हियर वी गो, लेट्स गो। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कितना आगे तक जाते हैं, हम लोग जीत पाते हैं कि नहीं, उसका ओपन में डाइनो कैसा होता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। इसके पास दो कार्निवरस है एंड एक फ्लाइंग टाइप है। सो इसका कार्निवरस जो है दो फटके में मेरा डाइनो का पीटी बन जाएगा। सो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, फिलहाल हम डाइनो को स्वाइप कर लेते हैं एंड लेट्स गिव अ शॉट। जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे पॉइंट्स को होल्ड करने के लिए। फिलहाल तो हम कर नहीं पाए, तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उसको होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद जाके मे बी कुछ कर पाए, नहीं तो गंदी तरीके से पीटी बनने वाला है। उसका जो फ्लाइंग टाइप है उसका भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, तो शायद कुछ हो ना हो वो हम बता नहीं सकते। हियर वी गो, इसने जो मेरा डाइनो है उसका पीटी बना देता, एक पॉइंट को होल्ड मार के रेस पॉइंट जो है उसको होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि एकदम रिस्क नहीं लेते पहले, फिलहाल तो होल्ड ही करके रखते। होल्ड करने से मे बी कुछ कर पाए, नहीं तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल रहेगा इसका डायनोस को ये करने के लिए, मारने के लिए। इसके पास 3 है एंड मेरे पास 2 है। अभी लेट्स सी, इसने एक पद पे मार दी तो मेरा डायनो का पेट ही नहीं बना। इसके पास 3 पॉइंट था। ओके, हियर वी गो, 1 2 3 1 2 3 4 एंड हियर वी गो। इसका जो फर्स्ट डायनो है उसका पेट ही बन जाता। अब इसके पास 2 है एंड मेरे पास भी 2 है। सो लेट्स सी, इसका एचपी काफ़ी लो है, इसके पास 5 पॉइंट्स है। ये क्या करता है वो देख लेते हैं। लेट्स गिव अ शॉट, इसने 4 फटके मार दी एंड यहाँ पे मेरा डाइनो का ही हो जाता है। इसने 4 फटके मार दी तो मैं भी एक शील्ड में दी हो। 1 2 1 2 3 देखे, 3 होल्ड कर लेते हैं। ये विको, इसका डाइनो नहीं मरा, 1 एचपी से बच गया। ओके, ओ भाई, 1 2 3 4 5 1 2 ये विको, अब तो शायद इसका डाइनो मर जाए। एंड इसके पास अभी लास्ट एक डाइनो बचा है, उसका मतलब अगर इसने 4 फटके ही है इसके पास, अगर इसने मार दिया तो मेरा डाइनो को, अगर शील्ड सब मार दिया तो मे भी कुछ हो सके, नहीं तो मेरा डाइनो का जो पेटी बनने वाला है। इसने 4 फटके मार दिए, मेरा डाइनो बच गया, शील्ड था। तो हम जो अपना पॉइंट है 4 फटके मार के इसका जो डाइनो है उसका सुहा कर देते एंड यहाँ पे जो है हम लोग फर्स्ट बैटल जीत चुके हैं। इसने लास्ट पॉइंट पे होल्ड नहीं किया तो ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी बात हुई एंड हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं, इट्स अ गुड थिंग। अभी हम लोग टॉप 5 में 90 में थे, तो अभी कितने में पहुँचेंगे, लेट्स सी। हम शायद टॉप 5 का रैंक तो होल्ड कर पाएंगे, पर हम टॉप 1 पे नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि बैटल कुछ ज़्यादा ही लेना पड़ेगा एंड हम लोग पिछले एपिसोड में शायद एक दो एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ही हारे थे। सो अभी वो करने के लिए हम लोग को कॉप अप करने के लिए बहुत ज़्यादा ही कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स गो, ये ले लेते हैं। क्यों ले, समझ में नहीं आता। दिस वन एंड हियर वी गो, लेट्स सी अभी हम क्या कर सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब वेट करना पड़ेगा फिर से बैटल लेने के लिए, क्योंकि मेरे डाइनोस के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है।
तो लेट्स सी, इसके पास कोई भी कार्निवरस नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कार्निवरस है नहीं। तो हमें कार्निवरस के अगेंस्ट जो वाटर टाइप है, वाटर टाइप का हम लोग को ग्रास टाइप और वाटर टाइप में ही यूज़ करना पड़ेगा। फ्लाइंग टाइप काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है उसके अगेंस्ट। 1 2 3 हैवी को इसने दो ही शील्ड में लगा दिया था। अभी शायद मे भी ये डायनो स्वाइप करते और एक फटका मार भी दिया इसने। चलो ठीक, ये कर लो भाई तुम पहले। ओके 1 2 1 2 3 4 एंड हियर वी गो। इसका जो डायनो है वो फिर से नहीं मरा, मुझे लगा था जाएगा बोल के, पर थोड़ा एचपी से बच गया। इसके पास 4 पॉइंट है अब। अगर इसने 4 पॉइंट ही मार दी तो शायद मेरा जो ग्रास टाइप है उसका पीडी बन जाए, पर देख लेते क्या कर सकते हम। इसने 3 फटके मारे एंड मेरा जो डाइनो है उसका पीटी बन चुका है। सो लेट्स सी अब क्या कर सकते। 1 2 इसके पास 3 पॉइंट था, इसने 3 पॉइंट ही मारा, तो 2 पॉइंट। जस्ट होप करते कि इसने इसके पास शील्ड ना हो। एक शील्ड था, फिर भी इसका जो डाइनो है फर्स्ट डाइनो उसका भी जा चुका है। अब इसका ग्रास टाइप अगेंस्ट मेरा जो है वाटर टाइप, इसका जो एचपी है वो काफ़ी कम है। मेरा एचपी काफ़ी अच्छा है एंड डैमेज भी शायद कुछ हद तक अच्छा है। अभी इसका वाटर टाइप का एचपी मेरे से थोड़ा कम है एंड डैमेज मेरे से थोड़ा ज़्यादा है। सो लेट्स सी अभी हम क्या कर सकते हैं। हम अपना 4 पॉइंट जो है मार देते हैं एंड हियर वी गो। इसके पास 5 पॉइंट था, इसमें से इसने 3 फटके मार देता एंड मेरा जो डाइनो है उसका पेटी बन जाता। 1 मिनट 1 मिनट आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 1 2 3 ओके 3 पॉइंट यहाँ पे देते हैं। 1 2 3 4 एंड 1 अभी को फिर भी इसका डाइनो का कुछ नहीं हो पाया हम लोग ने पॉइंट से करने के बावजूद भी। सो अभी लेट्स सी अभी ये करता क्या। इसके पास सिर्फ 4 पॉइंट्स है एंड मेरे पास जो है, लेट्स सी क्या होता है। इसने 2 फटके ही मारे। इसके पास स्टार्ट में इसने शायद 2 होल्ड में किया था, तो 1 2 1 2 3 हेवी को इसने 2 शील्ड में लगा दिया था। अभी इसका 1 फटके मारने से फिलहाल तो कुछ होगा नहीं। सो हम देख लेते कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। हम लोग के पास अभी 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट शील्ड में लगाया इसका, 1 फटके में तो शायद मरूंगी नहीं। एंड हियर वी गो, इसने 4 फटके मार दिए। हम 1 फटके मार के जो 3 फटके वो शील्ड में लगा देते हैं एंड लास्ट इसका ग्रास टाइप है। शायद ग्रास टाइप का अगर डैमेज कुछ ज़्यादा ही हुआ तो शायद मेरा डाइनो मर जाए 1 फटके में, पर इसका ज़्यादा डैमेज नहीं है तो हम लोग शायद यहाँ पे बच सकते हैं। लेट्स सी ये कितना पॉइंट मारते हैं। अगर गलती से भी इसको 1 फटके भी पड़ गया तो सीधी सी बात है कि इसका डाइनो जो है उसका पेटी बनने वाला है। सो हियर वी गो 1 2 एंड इसने एक ही शील्ड में दिया था, सो इसका जो आखिरी राउंड है उसका पेटी बन जाता है एंड हम लोग फिर से मैच जीत गए। ये मैच काफ़ी डिफिकल्ट था, फिर भी जैसे तैसे हम लोग ने निकाल लिया। ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी बात है एंड अब देखते हैं कि हम लोग कौन सा नंबर पे पहुंचते। बार बार रैंक पॉइंट नंबर मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। 93 पे ओके हियर वी गो। एंड यहाँ पे तो कुछ अच्छा मिलने के लिए कभी होता नहीं है और कभी मैं ये चीज़ सोच नहीं सकती। फिर भी ओ फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग को ग्रीन कैश 20 होने से भी मिला। ये अच्छी बात है क्योंकि बैटल लेने का टाइम पे एवरी सिंगल टाइम हम लोग को ग्रीन कैश का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़रूरत होता है। सो हम इसमें कुछ ही नहीं कर पाए। हियर वी गो, अभी 3 ही मेरे पास लेजेंडरी डाइनो है। कहीं उन लोग मेरी से डबल वाला लेजेंडरी डाइनो लेके ना आ जाए। ओके हमारा कार्निवरस हम लोग ने आगे रखे सही किया क्योंकि हम लोग का कार्निवरस जो है इसमें काम नहीं आने वाला है। सो हम फिलहाल पॉइंट कार्निवरस को बेट बना के उसके बाद पॉइंट्स को होल्ड कर लेते। उन लोगों के पास 2 कार्निवरस है तो हम लोग का वाटर टाइप काफ़ी ज़्यादा ही काम आने वाला है। सो फिर पहले वही कर लेते कि वहाँ पे जो है अपना कार्निवरस को बेट बना के जितना पॉइंट हो सके हम लोग होल्ड कर लेते, उसके बाद जाके बाद में क्या करना है वो तो सोच ही लेंगे। एंड यहाँ पे 2 शील्ड लगाते हुए इसने फिर से, अरे मार भी ले या होल्ड कर ले या कुछ तो कर ले।
ओके ये देखो ये क्या करता है, लेट्स सी, इसके पास दो ही पॉइंट है, इसने फिर भी नहीं मारा। 1 2 1 2 3 4 एंड हियर वी गो, इसने दो ही शील्ड में लगा दिया, इसका शील्ड ही चल रहा है फिलहाल तो। पता नहीं ये बंदा कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है। फिलहाल इसका शील्ड ही चल रहा है, शायद अभी भी ये फिर से शील्ड में ही दे दे, पर नहीं, इसने तीन फटके मार देता एंड मेरा जो डाइनो है उसका पीडी बना देता। गुड जॉब, नाइस वन, काफ़ी अच्छी बात है, इसने मार देता। 1 2 1 2 1 2 3 4 एंड हियर वी गो, इसका फर्स्ट डायनो है उसका दो फटके में पीडी बन जाता, पर इसका जो फ्लाइंग टाइप है शायद उसका कुछ ज़्यादा ही डैमेज पड़ जाए मुझे, पर देख लेते हैं। दो फटके में तो शायद मरूंगी नहीं, क्योंकि इसका डैमेज जितना है उसका हिसाब से थोड़ा तो एचपी बचेगा। एक ही फटका पड़ा मुझे, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे हम लोग डाइनो को स्वाइप कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इसको तीन फटके ही मार देते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 एंड हियर वी गो, शायद इसका जो दूसरा डाइनो है उसका भी पीटी बन गया एंड इसके पास आखिरी डाइनो, एंड स्टिल हम लोग पास दो डाइनो है तो जो जीतने का चांसेस है वो कुछ ज़्यादा ही है हम लोग के पास अभी तो। तो अगर इसने चार फटके मार दे तो 8 फटके मार देंगे, अगर उसने शील्ड में भी लगाया हो फिर भी हम कुछ तो कर सकते हैं। ओके, इसने मेरा जो ग्रास टाइप है उसका सूहा कर देता एंड हम लोग के पास अभी 8 पॉइंट्स है। लगाने से भी इसने सिर्फ दो शील्ड में लगाया होगा, सो हम 8 पॉइंट दे के इसका जो है एक बार में टाटा बाय बाय गुड बाय कर देते एंड यहाँ पे इसका बाय बाय हो जाता एंड यहाँ पे हम लोग फिर से मैच जीत चुके हैं। मेरे पास डायनोस तो ठीक ठाक ही है पर मैं कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये हो जाता है 93 से 91 में पहुँच रहा, मजाक कर रहे होगा तो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। पर हम लोग ने जीत के हम लोग 93 पे पहुँचे, वो भी बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग को तभी बैटल हम लोग ले सकते हैं जब मेरा डायनोस वापस से स्पॉन हो जाए, क्योंकि अभी जो डायनोस है सब सो गया है, मैं इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो यहाँ पे हम लोग का कोड 19 आते हुए पता नहीं हम लोग को यहाँ क्या क्लेम करने के लिए मिला। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये भी बताना कि आज का जो बैटल्स था कैसा लगा। हम लोग हारते हारते हुए भी हम लोग ने तीनों मैचेस निकाल ली एंड हम लोग तीनों मैचेस जीत गए एंड अभी भी हम लोग टॉप 5 में ही है। हाँ मतलब नंबर काफ़ी पीछे है, हम लोग लग 93 में 91 पे है, हम लोग काफ़ी पीछे, पर फिर भी हम लोग ने जो है बैटल जीत के हम लोग अभी भी टॉप 5 पे अपना पोजीशन होल्ड कर रहा है, वो काफ़ी अच्छी बात है। वो बैटल्स आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।